मम्मी मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती तुम्हें, तुम मेरी बेटी नहीं हो। चलो मम्मी। बेटा दर्द है, आराम से चलो ना, देर हो रही है हमें। कहाँ जा रहे हैं? जब भी मुझे कहीं जाना होता है आपका नाटक होता है। बेटा मैं जान के नहीं करती, मेरी भी तो बात समझो। बहुत हुआ, आप यहीं पे रुको। यहाँ सड़कों पे क्या करूँगी, मुझे काम है, मुझे जाना ही होगा। इस पेपर को लो, मुझे देर हो जाए तो किसी को दे देना। बेटे टाइम से आ जाना प्लीज। ओके। पेपर को मत खोना। बेटे जल्दी आना, देर मत करना। मेरी बच्ची सेफ हो, बहुत देर हो गई। फोन करना होगा उसे। आप जिस नंबर को फोन कर रहे हैं वो नंबर अभी बंद है, कृपया कुछ देर के बाद दोबारा कोशिश करें। ये तो फोन नहीं उठा रही, कहाँ चली गई? कहाँ है? बेटा जरा यहाँ पे आओ। क्या हुआ आंटी? मुझे जरा पानी मिलेगा क्या? मैं अभी लाती हूँ। ये लो पानी। गॉड तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी वजह से मेरी प्यास बुझ गई। आप यहाँ पे क्यों खड़ी हो? मेरी बेटी किसी काम से गई है, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे। आप मेरे घर पे चल के थोड़ा सा आराम कर सकती हैं। मेरी बेटी अगर यहाँ पे आ गई तो खामखा परेशान होगी। वो पहले से ही लेट है, आप मेरे साथ चलिए आंटी। अच्छा चलती हूँ बेटा। हाँ मेरी कमर, यहाँ बैठी आंटी। मैं लेट आऊँ तो ये पेपर किसी को दे देना। देखो मेरी बेटी ने इस लेटर में कुछ लिखा है। लेटर? जरा पढ़ना उसने क्या लिखा है इसमें। अच्छा। मेरी माँ को किसी वृद्ध आश्रम में जाकर छोड़ आओ, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम कर दी है इन्होंने, प्लीज जाके उन्हें छोड़ आओ। माफ करना मम्मा, आपकी बेटी गजल। बड़ी अजीब बेटी है। लेटर में क्या लिखा है मेरी बेटी ने? अगर मुझे देर हो जाए तो मेरी मम्मी का ख्याल रखना। डर क्यों रही हो, मुझे सच बताओ। ने लिखा है कि मेरी माँ बहुत प्रॉब्लम करती है, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाना। हाँ वृद्धाश्रम। कितना बुरा जमाना आ गया है। गजल के साथ ऐसा क्या किया जो उसने ये किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरी बेटी। क्या हो गया? गजल में सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो। हमेशा का नाटक है। ये लो दवाई लो। इस दवा से मुझे बेटा आराम नहीं मिलेगा। मैं थकी हुई हूँ बेटा। मुझे नहीं पता, धुलने होंगे। अच्छा मैं धुल देती हूँ। बेटा चलो नाश्ता कर लो, आओ नाश्ता करें। मुझे आपके साथ नाश्ता नहीं करना, अपने दोस्तों के साथ करना है। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। आज मेरे दोस्त घर में आ रहे हैं, उनके पास जाने की कोशिश मत करना, वो तुम्हें बूढ़ी औरत कहते हैं। हाँ मेरी बेटी, मैं किसी के पास भी नहीं जाऊंगी, वो हर दिन मुझसे बदतमीजी करती थी। परेशान होने की कोई बात नहीं है आंटी, आप मुझे अपनी बेटी समझो। मुझे बताओ कहाँ रहती है, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। थैंक यू बेटी, लेकिन अब मैं कोई परेशानी नहीं चाहती। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो भूलेगी नहीं। आप दरवाजा खोलो। कौन खटखटा रहा है? ये क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? तुम गजल हो? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बताऊँ कौन हूँ? तुम्हारा ये लेटर मैंने खुद पढ़ा है। अपनी माँ को तुमने सड़क पे छोड़ दिया? ये माँ और बेटी का मामला है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ूं? बदतमीज लड़की। वो हमेशा मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम करती रहती है। दोस्तों के लिए माँ को छोड़ रही हो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं करती।
जब मैं 5 साल की थी तो मुझे छोड़कर चली गई थी और मुझे उनकी शक्ल याद नहीं है। बताओ मुझे माँ कहाँ है मेरी? उन्हें सड़क पर छोड़ने के बाद ये सवाल कर रही हो? गॉड ने खुद कहा है कि दुनिया में माँ से प्यारी चीज कोई नहीं है, तुम्हें नहीं पता? मामा। बेटी मम्मा के पास आ जाओ। मामा आई लव यू। आई लव यू टू बेटी, मेरी बेटी, क्यूट बेटी। मुझे यहाँ पे प्यार करो बेटी। जहाज आया जहाज आया, खा लो। अब तो बस मुझे अपने रब का ही सहारा है। मैं अपनी माँ का बहुत ध्यान रखूंगी अब से। जहाँ तुम्हारी माँ दरवाजे के पीछे खड़ी है, बात करो उनसे। हाँ माँ ने सब सुन लिया है। आप यहाँ अंदर आ जाओ। गजल नाम की अब से मेरी कोई बेटी नहीं है। आज के बाद से तो मुझे माँ नहीं कहोगी। माफ कर दो मम्मा मुझे। मैं गलती की माफी मांगती हूँ माँ, मुझे माफ कर दो माँ। तुम मेरी बेटी नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। दोस्तों के लिए मुझे रोड पर छोड़ दिया। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगी। तुम मुझे वृद्धाश्रम छोड़ो, इसलिए मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया था। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम्हारे किए की यही सजा होनी चाहिए। चलो रीम। नहीं मामा, नहीं मामा। मुझे मेरी बेटी की याद आ रही है, कहाँ है वो? मैं उसे देखे बिना कहीं मर न जाऊँ। ऐसा ना बोलो आप। गजल को मैं बुलाती हूँ, लेकिन आपको आराम की जरूरत है। मेरी माँ कहाँ है? ऐसा जल्दी चलो। चलो माँ, माँ, माँ आपकी बेटी गजल आ गई। उठो माँ, बस एक बार उठ जाओ। बीमार हूँ पर अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। हाँ मम्मा ठीक हो जाऊंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ गजल। गजल अब जल्दी से माफ़ी मांगो। तुम्हें मैंने अपने दिल से माफ़ कर दिया है। मुझे कभी भी सुकून नहीं मिला, बहुत याद किया। आई लव यू मम्मा। आई लव यू बेटी।